हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अबे ये चक्कू सही काम करने लग गया। आप मैं अभी सोच रहा था, मैं इसकी देख कर दी ना इसने एंड टाइम पे शो ऑफ, यू नो ज़्यादा ही दिक्कत देने लग गया ये चक्कू। बट वी कैन एक्सपेक्ट भाई, ये वाला तो अब की बारी ना ब्लेड चिपका दिया अपने को किसी ने ना, सही बताऊँ तो उस टाइम पे चेक किया नहीं, अब ये ढंग से काम करता नहीं। ये बताओ यूं इसको डालना हो ना तो यूं ये सही जा रहा है आ रहा है, पर अगर यूं इसमें लगा के अगर इसे यूं करना हो ना यूज तो नहीं कर सकते। ये देखो ये निकलेगा ही नहीं, आके भड़क ही है। इसके ब्लेड को निकाल ही लेते हैं, सारी वीडियोस आप ऐसे ही इसी ब्लेड से ही करा करेंगे। ठीक है, नाउ ये तो हो गया हमारा वेलकम थीम। बड़ा अजीब सा था ना, आज हम ब्लेड के बारे में बात कर रहे थे, पर ये ब्लेड से रिलेटेड नहीं है। ये आज की वीडियो थोड़ी सी ड्यूट है, थोड़ी सी ड्यूट तो क्या है, मतलब ड्यूटी है। अभी मैं करूँगा, फिर बाकी काम आपको बॉस करके दिखाएंगे, क्योंकि मैं इतना ही प्रोडक्टिव बंदा नहीं हूँ यार मैं सही बताऊँ तो लेट्स जस्ट कंटिन्यू विद द वीडियो। एंड आ नहीं रहा फ्रेम में, ऊपर करो। आज हमने मंगवाया है ये बड़ा सा डब्बा, एंड लेट्स जस्ट डू द ऑनर्स, अनबॉक्सिंग करें। ये यूं देखो कितने स्मूथ यार, ये लाल वाली टेप अमेज़न की क्या किसी और के पास नहीं आती क्या, किसी इसी सेलर या इसी ब्रांड के पास तो नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक लाल वाली टेप किसी उस पर नहीं देखी। क्या इसका कोई सिंबलाइजेशन है? इसको यूज करने के बाद इसमें डाल देते हैं। एंड हियर वी गॉट द प्रोडक्ट, सही जगह से खोला मैंने। बाकी क्या ठीक है, टेप है, बिल है, टेप है, बिल तो देख लें। ओह माय गॉड, महंगा है, बहुत महंगा प्रोडक्ट है। एंड हियर वी गॉट द प्रोडक्ट, सोलो बोलो कंपनी का। रुक जा, मैं मेरा मार्किंग करने के लिए तो निकाल लूं। सोलो बोलो कंपनी का आर्ट एंड क्राफ्ट किट, इंटरमीडिएट किट। इंटरमीडिएट मतलब एक होता है एमेच्योर, मतलब एक होता है ना वो प्रोफेशनल भी होता है, उनके बीच के लिए। मधुबनी आर्ट किट, कोस्टर विथ स्टैंड, प्री डिज़ाइन, प्री मार्क डिज़ाइन, वार्निंग चॉकिंग हैज़ार्ड, गले में क्यों फंसाने, 3 साल से कम के बच्चों के लिए नहीं है, छोटे तेरे लिए नहीं है। ये तो 300 ऊपर का होगा, कितने साल का भाई? एक का अभी वो 300 ऊपर हो गया। इसकी MRP है 1199, मतलब 1200 रुपये की MRP है। एंड पीछे देखते हैं ये किस काम आएगी, आपकी क्रिएटिविटी इम्प्रूव करेगी, आपकी मोटर ट्रेनिंग स्किल इम्प्रूव करेगी, आपकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करेगी, आपकी पेशेंस एंड कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करेगी, आपकी स्पेशल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करेगी। फन एंड इजी है, ग्रेट एक्टिविटी किट है, ग्रेट होम डेकोर है, और इसमें अलग अलग कई सारी DIY किट्स आती हैं। ओके, ये एक DIY किट्स है, डू इट योर सेल्फ किट, जिसके अंदर 4 कोस्टर होंगे, एक कोस्टर स्टैंड होगा, एंड एक्रिलिक कलर होंगे, एक ब्रश होगा, एक मिक्सिंग प्लेट और एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल होगा। और इसके साइड में क्या है, ओह मेड इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल। अब मैं बताता हूँ कोस्टर क्या होते हैं, जिनको नहीं पता, जिनको पता उनको तो पता ही है। आपने देखा वो चाय वगैरह रखते हैं आप, एक वो किसी भी ऑफिस में जाते हैं वो गोल सी प्लेट होती है छोटी सी, उसे कोस्टर बोलते हैं, तो ये वही है। थैंक यू फॉर योर परचेज विद अस, एज अ स्मॉल बिजनेस दिस मेक अ ह्यूज डिफरेंस टू अस। एग्जैक्टली सर, वी विल डेफिनेटली डू दिस। एंड इनके और क्या क्या चीज़ें हैं बेस्ट सेलर, इनकी मंडल कोस्टर पेंटिंग किट है, मधुबनी कोस्टर पेंटिंग किट तो अपन ने ली है, मधुबनी आर्ट किट, और रॉक पेंटिंग किट है, ड्रीम कैचर पेंटिंग किट है, क्लॉक पेंटिंग किट है, वर्ली फ्रिज मैग्नेट किट। ओह ओके, ऐसे भी आता है, मैग्नेट भी आता है। इसके अंदर क्या क्या है पहले मैं दिखा देता हूँ, यूजेज आपको बोझ दिखाएंगे।
ये आया इसके साथ एक ब्रश। ओ, ये ब्रश की तो निब भी बहुत टाइट है, मेरे ख्याल से इसे अभी गिल्ला करना पड़ेगा जब ये थोड़ा सा वो होगा। जोकर राउंड सिंथेटिक, और इसके अंदर आई गेस ये है इसकी वो मैनुअल शायद। ये है मैनुअल, इसके अंदर सारे वो दे रखे हैं। ओ, इजी स्टेप्स टू पेंट योर मधुबनी आर्ट, ट्राई इट। आप अपनी तरफ से भी रंग भर सकते हैं। तो आप पहले इनको खोल के देखते हैं इनके अंदर है क्या क्या, ठीक है ना। ये जो बाकी डब्बे हैं इनमें, यार इन्होंने कैसे फिट किया हुआ था कि मेरे से ढंग से नहीं हो रहा। ये हो गया, लेट्स जस्ट कंटिन्यू। खोल के तो देखें, सारा मौका वो उसको थोड़ी देंगे। लेट्स जस्ट टेक अ लुक इसके अंदर क्या है। इसके अंदर एक तो आया ये पैलेट पेंट के लिए, ओके, कोस्टर डिजाइन कोस्टर। ये वैसे लकड़ी का है पर ये किसी और चीज़ से बना हुआ मिक्सचर सा लग रहा है जिस हिसाब का वो है मटेरियल जो है यूँ, मतलब साउंड तो इसकी लकड़ी जैसी सी है, स्मेल भी लकड़ी जैसी सी है। ये तो हो गया उल्लू वाला, ये होगी दो चिड़िया या हंस है, हंस होंगे ये क्या है कुछ समझ आ रहा है क्या, मछलियाँ यिंग यांग, ये हाथी। एंड ये हो गया इसका कोस्टर की प्लेट, ये यूँ डिज़ाइन बना के रखने के लिए। बट यार इसे अगर हम यूँ रखते भी हैं तो ये स्टैंड रह जाएगी, यूँ गिरने लग रही है। ओके, ये यूँ स्टैंड रखी जा सकती है। यस यस, देखते हैं इन्होंने कलर्स कौन से दिए हैं। लेट्स टेक अ लुक एट द कलर्स। ओके, फेबर कासल कंपनी के कलर है। फेबर कासल सुना हुआ है नाम, कभी हमने भी बनाए हैं। कैमलिन कुमलिन के अलावा फेबर कासल भी आता था, उस कंपनी के रंग दिए हैं। 6 कलर दिए हुए हैं, ब्लू ग्रीन ब्लैक येलो वाइट एंड रेड, और एक ब्रश दिया हुआ है। एंड इन्होंने एक चीज़ जो दी हुई है कि हाँ भाई यू कैन डिसाइड योर ओन डिज़ाइन और योर ओन कलर कॉम्बिनेशन। तो बाकी की वीडियो आगे बॉस कंटिन्यू करेंगे। कैसे करते हैं वो, कंटिन्यू टू योर, ओवर टू यू बॉस, है ना, शायद ये बोलते हैं, ओवर टू यू बॉस, देखते हैं आप कैसा करते हो। लोगों ने ना सोलो बोलो जो मधुबनी आर्ट किट है कोस्टर्स विद स्टैंड्स, उसके अंदर आपने ना ये सब चीज़ें तो देख ली कि क्या क्या आता है, ठीक है। अब हम ना पेंटिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। सो इसको पेंट करना मैं स्टार्ट कर रही हूँ, एंड जो कोई आसान सा हो ना पहले वो पेंट करते हैं क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। तो कौन सा पेंट करें, मम्मी से पूछते हो, मम्मी कौन सा पेंट करें इसमें से, ये हाथी है और ये अपनी मछली है, ये पिकॉक है और ये उल्लू है, तो पहले कौन सा पेंट करें, कोई जो आसान हो और जल्दी भी हो जाए क्योंकि वीडियो बनानी है। फिश। अच्छा, तो मम्मी बोल रही है कि फ़िश कर लो, तो फिर फिश करते हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें अंदर डाल रही हूँ और पेंट करके फिर जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, बट आप लोगों के साथ में भी हम स्टार्ट करेंगे। और इसके अंदर कलर्स वगैरह अपनी मर्ज़ी से रखना है क्या, यार फर्स्ट टाइम है, मैं तो अपनी मर्ज़ी से नहीं रख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनानी और इतना ना दिमाग नहीं चलेगा जल्दी जल्दी कि भी मुझे कैसे करना है, तो इसलिए जैसा इसके अंदर दिखाया हुआ है ना मैं एक बारी के लिए मैं वैसे ही कर रही हूँ, क्योंकि ना ऐसी चीज़ें ना थोड़ा शांति से बैठ के करने का टाइम होता है, फिर दिमाग भी चलता है कि ये क्या चीज़ें हम और कर सकते हैं अलग अलग, यू नो गूगल वगैरह करके या अपने दिमाग से लगा के। तो अभी मैं यही कर रही हूँ जैसा इसके ऊपर दिखाया हुआ है, ठीक है। बाकी कुछ अलग कलर करके देखें, जैसे इसके अंदर रेड और येलो है, अगर मैं इसके अंदर ग्रीन और ब्लू रखूँ तो ये कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है, ये पिंक है या रेड है, पता नहीं,
रेड होगा, रेड है ये तो, रेड रेड और येलो ही रखते हैं, चलो रेड और येलो ही ठीक है ना। ठीक है, मछली है तो फिर रेड और येलो ही रख लेते हैं। ठीक है चलो मैं फटाफट पेंट करना स्टार्ट करती हूँ। तो ये हमारी ना देखो थोड़ी सी पेंटिंग बन गई है, और इसको ना हम कंप्लीट बाद में करेंगे, और अभी जितना हो पाया थोड़ा सा उतना थोड़ा सा इसको ट्राई करके मैंने आपको दिखाया है। ये देखो आप इसके कलर जो है उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसमें ना, मतलब देखो कलर की जो क्वालिटी है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, जैसे अपने वो अच्छे वाले ऑयल पेंटिंग होती है बिल्कुल वैसी ही है, एंड कितनी ज़्यादा शाइनिंग मार रहा है, तो इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ये जो इसके साथ में जो ये ब्रश आता है ये भी बिल्कुल ज़ीरो साइज़ का ही पाएगा। ठीक है, तो इस ये सही है कि इसकी जो टिप है वो काफ़ी ज़्यादा पॉइंटेड है, काफ़ी स्मॉल साइज़ का ब्रश है तो वही चाहिए था। एंड ये भी बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, दो नंबर का है ये, दो नंबर का ब्रश है। ठीक है, और इसको कंप्लीट करने में तो टाइम लग जाएगा, तो फिर इसलिए अब मैं कंप्लीट करके नहीं दिखा पाऊँगी, थोड़ा सा इसको ट्राई किया है एंड मेरे को बहुत अच्छा लगा इसको ट्राई करके, एंड काफ़ी अच्छे से पेंटिंग हो रही है इसके ऊपर। ये जो कोस्टर्स हैं इन, ये बहुत स्मूथ है, बहुत सॉफ्ट है, इजीली इसके ऊपर ना ब्रश ग्लाइड हो रहा है, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ पूरा प्रोसेस। बस द थिंग इसकी अभी उतना टाइम नहीं है, तो अभी इसको कंप्लीट करके नहीं दिखा पाएंगे, जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो वीडियो में फ़ोटो ज़रूर लगाने की कोशिश करेंगे। और आज के लिए सिर्फ इतना ही था, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड अगर आप लोग भी चाहो तो ये ले सकते हो, अगर आप लोग को शौक है पेंटिंग का, या फिर अगर आपको किसी बच्चे को अगर गिफ्ट करना हो तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, दिस इज़ हाईली हाईली रिकमेंडेबल, बहुत अच्छा है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, टाटा, enjoy.